नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। बात करेंगे हम इस वीडियो में टेरा लूना क्रिप्टो करेंसी का नया एक प्लान आया है जिसको प्लान 2 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या प्लान है और माना जाता है कि ये जो प्लान आया है इसका नया प्लान ये 27 मई तक इसको जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या प्लान है और इससे जो है इस क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या ये क्रिप्टो करेंसी फिर से जो है कमबैक कर सकती है, तो सारी बातें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। बात करेंगे हम टेरा या लूना क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसने जो है लोगों को काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया है और इस क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट में जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से भी काफी ज्यादा जो है डर लगने लगा है। फियर और ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस समय जो है वहां पर 8 नंबर, ठीक है, इतना ज्यादा जो है इस समय जो एक्सट्रीम फियर चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को लेकर के। वैसे अगर यहाँ पर आज मैं मार्केट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आज अगर मार्केट देखेंगे तो फिर से जो है कमबैक करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा होगा आज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। फिर बात करें अगर हम यहाँ पर इसका रिवाइवल जो प्लान जो रखा गया है, मतलब जो इसको पुनर्जीवित करने का जो प्लान है दूसरा, वो क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इसका जो इकोसिस्टम है यहाँ पर, ये जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया गया है, जो टेरा की वेबसाइट है वहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या था, जो टेरा का जो प्लान जो पहला था वहाँ पर जब इसको जो पब्लिश किया गया था तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो दूसरे तरीके से किया गया था। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको जो है मतलब जो उसको बंद करके जो है नया जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया गया है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि 25% जो कम्युनिटी पूल के लिए, 1% जो है इमरजेंसी, 4% जो है एसेंशियल जो कि डेवलपर हैं उनके लिए, और 35% जो है ऑल बॉन्ड जो है उनके लिए, 10% जो है लूना के जो होल्डर हैं और 25% जो है वो जो USDT के होल्डर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो नया जो फिर से जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो 1 बिलियन जो इसका जो टोकन है उसका ये बनाया गया है, तो ये माना जा रहा है इसको जो 27 मई तक जो है इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखते हैं इन सब चीजों से इस क्रिप्टो करेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जो है फिर से कमबैक कर पाएगा, क्या ये $1 पहुंच पाएगा, इन सब सवालों के जवाब जो है इन फ्यूचर में ही आपको मिल सकते हैं। आज अगर क्रिप्टो करेंसी का अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि $1 से काफी कम है। लगभग यहाँ पर जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे तो 9,000 रुपए से ये क्रिप्टो करेंसी धड़ाम से नीचे गिर करके 50 पैसे में कन्वर्ट हो गई थी। तो देखते हैं ये क्रिप्टो करेंसी कब वापस आ पाती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।